अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि सब टिक टॉक और मज़े में हो। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम की न्यू बम्पर फाइल। जैसा कि आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त और खूबसूरत किस्म का बम्पर फाइल है। तो ये बम्पर फाइल कहाँ से डाउनलोड होगी और गेम के अंदर किस तरीके से ऐड होगी, तो सारा तरीक़ाकार मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ लाजमी देखना है अगर आप भी अपना बस पे बम्पर फाइल ऐड करेगा। और ये बम्पर फाइल ऑल बसेस पे वर्क करेगा, मतलब जो भी बस पे आप ये बम्पर ऐड करेगा तो उस पे वर्क करेगा। मतलब JB1 पे ऐड करेगा या JB2 या JB3, मतलब जो भी बस पे आप ये बम्पर ऐड करेगा तो उस पे वर्क करेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि बम्पर फाइल आपने गेम के अंदर किस तरीके से चेंज कर देना है। तो चेंज करने के लिए आपने गैरेज पे आना है और उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि इसको आपने डाउनलोड कैसे कर देना है और OBB फाइल के अंदर किस तरीके से पेस्ट कर देना है। तो हमारे साथ वीडियो में रहो। तो फ्रेंड, आपने आना है सबसे पहले ZArchiver ऐप में। अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और ZArchiver ऐप आने के बाद डाउनलोड वाला फोल्डर पे आना है। तो दोस्तों, जब आप डिस्क्रिप्शन से बम्पर फाइल का लिंक डाउनलोड करें उससे डाउनलोड फोल्डर में आएगी और इस तरह की फाइल आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं BASID V4.2 अपडेट बम्पर फाइल। तो आपने इस फाइल पे क्लिक कर देना है, उसके बाद स्ट्रैक हेयर पे क्लिक कर देना है। तो स्ट्रैक हेयर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगी। ये वाला फोल्डर है BASID V4.2 बम्पर फाइल। आपने इस फोल्डर पे क्लिक कर देना है और फोल्डर के अंदर आप लोग को ये वाला फाइल मिल जाएगी। तो ये फाइल आपने यहाँ से कॉपी कर देना है, कॉपी पे क्लिक कर देना है, बैक जाना है डिवाइस मेमोरी में और उसके बाद एंड्रॉइड वाला फोल्डर पे आना है, OBB फोल्डर गेम का जो फोल्डर है उस पर आना है, मैन OBB एसेट बिन डेटा, और उसके बाद फाइल यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से तो काम खत्म हो गया। अभी हम गेम को ओपन करेंगे कि गेम के अंदर बम्पर किस तरीके से ऐड होगी। तो अभी हम गेम को ओपन करेगा। तो फ्रेंड, गेम ओपन करने के बाद आपने गैरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे जो बस का आइकन नज़र आ रहा है आपने उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद इस तरह की गोल दायरे आ जाएगी। तो आपने बस के बम्पर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये गोल दायरे पे आपने इस तरह की क्लिक कर देना है और यहाँ पे बहुत बम्पर शो होगी। तो आपने क्या कर देना है, सबसे लास्ट पर है 4 नंबर का बम्पर, उस वो बम्पर आपने सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बस पे जो बम्पर है वो ऐड हो गया, ठीक है। और ऑल बसेस पे इस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। अभी आप लोगों को और बसों में भी दिखाऊंगा, अभी आप लोगों को और बस में दिखाऊंगा। तो ये देखो, बस के बम्पर पे आपने क्लिक कर देना है और ये भी इस तरीके से वर्क करेगा, मतलब आपने लास्ट वाली बम्पर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल बसेस पे इस तरीके से वर्क करेगा, मतलब जो भी बस पे आप ऐड करेगा तो इस तरीके से वर्क करेगा। सबसे लास्ट वाली बम्पर आपने सेलेक्ट कर देना है और फिर ये वर्किंग करेगा, ठीक है। तो मैं बम्पर इस बस पे ऐड करूँगा, आपकी मर्ज़ी है, जो भी बस पे आप ऐड करेगा तो आप ऐड करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बम्पर फाइल बस पे लगाना है और बम्पर फाइल का जो डाउनलोड लिंक है आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट लाजमी करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहो।